आठ साल के लंबे इंतजार के बाद जयपुर में हुए इंटरनेशनल क्रिकेट मैच के सफल आयोजन के बाद राजस्थान क्रिकेट संघ गदगद नजर आ रहा है। कई दिनों की कड़ी मेहनत के बाद हुए इस आयोजन के लिए आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत और उनकी पूरी टीम को पूरे प्रदेश से बधाइयां मिल रही हैं। खुद राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस शानदार आयोजन के गवाह बने। राजस्थान क्रिकेट संघ के अध्यक्ष वैभव गहलोत ने अपना एक और वादा निभा दिया है। एक वक्त था जब आरसीए की छवि देश के क्रिकेट जगत में खराब थी और बीसीसीआई ने यहां मैच देने से इनकार कर दिया था, लेकिन वैभव गहलोत के अध्यक्ष बनने के बाद न केवल आरसीए पर से प्रतिबंध हटा बल्कि वैभव गहलोत के प्रयासों से यहां अंतर्राष्ट्रीय मैच का सफल आयोजन भी हो गया। दरअसल वैभव गहलोत की बीसीसीआई पदाधिकारियों सौरव गांगुली और जय शाह के साथ अच्छी बॉन्डिंग के चलते ये संभव हो पाया। हालांकि मैच आयोजन को लेकर आरसीए की प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी। ऐसे में वैभव गहलोत ने अपनी आरसीए की पूरी टीम के साथ दिन रात मेहनत की और मैच का सफल आयोजन किया जा सका। चाहे दर्शकों के लिए सुविधाओं की बात हो या फिर खिलाड़ियों की सुरक्षा का मामला, हर स्तर पर बेहतरीन मॉनिटरिंग की गई। मैच की बेहतरीन आयोजन का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत परिवार समेत मैच देखने के लिए पहुंचे। अल्लाह ममता भूपेश, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, कांग्रेस नेता धर्मेंद्र राठौर समेत कई कांग्रेस नेता भी मैच के गवाह बने। फर्स्ट इंडिया के सीएमडी जगदीश चंद्र भी वैभव गहलोत के आमंत्रण पर स्टेडियम पहुंचे। जगदीश चंद्र ने वैभव गहलोत को शानदार आयोजन के लिए बधाई दी। वहीं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा समेत विभिन्न नेताओं और क्रिकेट पदाधिकारियों ने भी इस सफल आयोजन के लिए बधाई दी है। आरसीए के सचिव महेंद्र शर्मा और मीडिया मैनेजर विमल शर्मा ने कहा कि इस सफल आयोजन को बनाने के लिए सभी एजेंसियों का पूरा सहयोग मिला, खासकर पुलिस और खेल विभाग का सहयोग मिला। उन्होंने आश्वस्त किया कि भविष्य में भी भारत बेहतरीन आयोजन करेगा। भारत व न्यूजीलैंड के बीच जो 2020 मैच कल जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम पर खेला गया, उसके सफल आयोजन के लिए जिन लोगों ने भी हमारी मदद की उन सबका मैं आभार प्रकट करता हूं राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से। सबसे पहले हमारे जो चीफ पैटर्न डॉक्टर सीपी जोशी साहब का, जिनके नेतृत्व में यह मैच हुआ, वह हमारे युवा अध्यक्ष आदरणीय वैभव जी गहलोत साहब के भरपूर प्रयास, दिन रात उन्होंने एक कर जो पूरी टीम का नेतृत्व किया और इस मैच को सफल बनाने में पूरा उन्होंने उनके निर्देशन में ही हमने ये सब काम किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे राजस्थान सरकार को व राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब का, कि जिन्होंने हर तरह से सरकार की तरफ से यहाँ पर मदद उपलब्ध कराई, वह खुद भी यहाँ पर पूरे मैच के दौरान मौजूद रहे। आठ साल बाद अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच के आयोजन को सफल बनाने में सबसे पहले तो हमारा निर्देशन और हमारा मार्गदर्शन किया हमारे आदरणीय पैटर्न सीपी जोशी साहब ने, और हमारे अध्यक्ष वैभव जी गहलोत ने जिस तरह से एक कप्तान की तरह आगे रहकर पूरा मोर्चा संभाले रखा, और उनके सपोर्ट में उनकी कार्यकारिणी महेंद्र जी शर्मा, महेंद्र जी नाहर, अमीन जी पठान, देवाराम जी और निमाव साहब ने जिस तरह से पूरा काम किया, उसके साथ ही जिला संघों के सचिव महोदय ने भी यहाँ आकर जो इस तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं करानी थी एक इंटरनेशनल मैच के लिए, उसमें पूरी जी जान से जुटे, उसके सफल आयोजन में जुटे रहे। साथ ही राजस्थान सरकार के मुखिया श्रीमान मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत का मैं विशेष आभार करना चाहूँगा कि उन्होंने खुद ने आकर दो घंटे बैठकर मैच देखा। राज्य में राज्यपाल महोदय कलराज मिश्र ने भी मैच देखकर खिलाड़ियों का और यहाँ आए दर्शकों का हौसला अफजाई की। नए कोच और नए कप्तान के साथ जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम पर खेलने उतरी टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में जीत के साथ आगाज किया। टीम इंडिया ने ये रोमांचक मुकाबला आखिरी ओवर में जीता। जीत के बाद दर्शक भी काफी खुश दिखाई दिए और बेहतरीन मैच की तारीफ की। अध्यक्ष वैभव गहलोत के कार्यकाल का ये पहला बड़ा आयोजन था और वैभव गहलोत इस कड़ी परीक्षा में सफल साबित हुए। अब उनका अगला लक्ष्य अगले साल होने वाले वनडे मैच को सफल बनाना है और उम्मीद की जा रही है कि भारत प्रदेश के क्रिकेट प्रशंसकों के लिए भविष्य में भी इसी तरह के अच्छे आयोजन कर पाएगा। नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।